सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर दोनों में डिफरेंस समझो। इलेक्ट्रॉन कैरियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर आएगा तो वो आएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद वाला, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है जब ये पूछेगा तो आपका होगा FRS, फेरॉक्सीन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन, ये मैंने लिखा है आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सिन कहाँ थे? क्लास यहाँ बैठ के अटेंड किए थे, घर से ये से अटेंड किए थे, फिर से साइकिल को देखो। साइकिल में जो है क्या कहते हैं, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है वो पीएच टू के केस में कौन सा है? थियोफाइटिन, ठीक है। थियोफाइटिन एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जहां पे मैग्नीशियम अब्सेंट, और पीएस वन के केस में एफआरएस है, फेरॉक्सीन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। मैंने पहले बताया था कि आयरन सल्फर प्रोटीन है, फिर मैंने बताया इसको फेरॉक्सीन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, पता नहीं तुम कहां पे। तो 60 भी सही है, 49। अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया, द नाइट्रेट फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज, एक नाइट्रोसोमनास होगा देन नाइट्रोबैक्टर होगा, कहाँ पे ऑप्शन है? ठीक है, ए एंड बी हो गया, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड सी, नाइट्रिफिकेशन कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा, हाँ सी नाइट्रिफिकेशन, एंड दी दो बैक्टीरिया आर दी, हाँ नाइट्री, हाँ यार अरे वो एक ही जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, स्पेस है नहीं है, मेरी आंखें काम करना बंद कर दे रही, मतलब क्या कमी है। रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, फिजिक्स में तो होगा हैं रेजोल्यूशन, हैं रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर सर। खुद ही समझ रहे हैं। बच्चे इसका सेकंड ऑप्शन सही, 149 सही तो है, तो फिर क्यों किसको डाउट था भाई? दोनों नहीं लिखाया मैंने बेटा, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है आगे पढ़ने का। हाँ दो दो लिखाया है मैंने, और नोट्स पढ़ के चले जाते तो पेपर उड़ जाता, सिर्फ नोट्स, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अंटिल अनलेस आप रिवीजन नहीं कर रहे। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ प्राइम प्रायोरिटी रिवीजन, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं होगा अदरवाइज, मतलब तुमसे संभलेगा नहीं अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो। तुम्हारा 70% टाइम, करीब 75% टाइम सिर्फ रिवीजन पे जाना चाहिए अभी फिलहाल, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि फरवरी चल रहा है और एंड ऑफ अप्रैल तक 95% सिलेबस कवर हो जाए। और हर एक पार्ट पे एनसीईआरटी पे फोकस करो, केमिस्ट्री प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री, उससे एनसीईआरटी पे जाओ, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पिक करते हैं।
क्यों अपने ऊपर फालतू का बर्डन बढ़ा रहा है इधर उधर की बुक्स को वो करके। और रिवीजन नहीं करोगे तो अच्छा सिलेक्शन से बाहर हो, रख के रखना। सिलेक्शन नीट में उसका होता है जो हार्ड वर्किंग है, और दूसरा हार्ड वर्किंग से ज्यादा किसका होता है जो स्मार्ट। ये एग्जाम स्मार्टनेस का है, इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, समझो। इंटेलिजेंस का एग्जाम होता तो तुमको देता 50 क्वेश्चन और करवाता ढंग से विद कॉन्सेप्ट, तुमको देता है वो 200 क्वेश्चन और टाइम भी देता है 3 घंटे। 3 घंटे में आधा घंटा तो रंगने में चला जाता है, बचता 2.5 घंटे। 10 मिनट 2.5 घंटे में तुम्हारा वो लेते होंगे कौन, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, ठीक है। हाँ तो तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ सिलेक्शन उसी का होगा जो जी भर के रिविजन करेगा। मैं क्यों बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो बस हो गया, बस स्पीड बस मेंटेन करके रखो। समझ नहीं आ रही है बात तो पढ़ लो जितना पढ़ना है, आज यहाँ पे कल फिर एक जगह कोचिंग करो, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के रिवीजन पे फोकस करो, ओनली रिवीजन। और बायो के केस में मुझे पता है कि बायो के केस में तुम लोगों ने बायो को डिला के रखा, फॉर ग्रांटेड ले रखा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। तुमको बता दिया मैंने कि जब यूनिट टेस्ट होता है तो तुम 360 में से कितने बच्चे हैं जो 300 तक नहीं पहुंच पाते, और 300 तक तो द मार्क भी नहीं है, ये है आपको मार्क ये 335, और ये सिर्फ एक ही चीज से आएगा, किस से? बेकार है फिर। जो बच्चे मुझे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं जिनको मुझे निकाल लेने दो, फिर बताते हैं। वे 47, अच्छा इसमें फोर्थ सही है, 47, 147 का ऑप्शन, यहाँ आंसर भी गलत है, ठीक है, तुमने भी गलत किए हुए, इतना सिंपल क्वेश्चन। बाकी 128 सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड अपीयर फर्स्ट इन यंग प्लांट्स। हाँ तो इसमें क्या है, तुमको वो वाले यंग पार्ट में कौन आए, मोबाइल कौन कौन से, बोरॉन, कैल्शियम, सल्फर, BCF, इसमें कितना बोला है 28 का गलत है, ठीक, सिर्फ दो क्वेश्चन गलत थे बाकी सही। ये पेपर तुम्हारा है, इसे मेरी क्लास में क्यों डिस्कस करवा रहे हो, उसको मैंने बोला था कल वाली क्लास, शाम वाली क्लास में, और तुम मेरी क्लास में टाइम कूड़ा कर रहे हो मेरा। चलो 49 करवा देता हूँ, तो फिर बाद में क्लास के बाद में लेना, अच्छे क्लास के बाद में या लंच के टाइम में आ जाओ या शाम में मुझे बता देना, तो शाम में ये बच्चे। सर तो जो डाउट होगा वो आपको पर्सनली भेज दूं? नहीं पर्सनली, तुम वहां पे क्या कर रहे हो ये बताओ पहले,
पर्सनली भेज दें। हाँ क्या कर रहे हो वहां पे, तुम तो कह रहे थे तुम आ रहे हो, हाँ सर, इस मन नहीं कर रहा ये बोलो ना सीधा, थर्सडे, बोलो फिर इस ना। थर्सडे जा रहा हूँ। हाँ सर, डाउट के लिए अपने सर को बोल देना तुम 5 बजे के बाद क्लास पे बैठना, ठीक है, ओके सर, और बायोलॉजी का लॉगिन करवा लेना, सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि ओके सर, ओके सर, तो बच्चे वो लिख लिख के करने में मजा आता नहीं है, उसमें टाइप करने में दिमाग खराब होता है। चलो हम क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। ये प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर है या प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वही मैं सोच रहा था, कुछ टाइटल कुछ मैच नहीं कर रहा। हर चैप्टर का जो टाइटल होता है वो उसके अंदर कंटेंट को बताता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग का कुछ पार्ट बता दिया था कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, इसको जाइगोट बोल रहे हो, ये जाइगोट बेसिकली कहाँ पे बना, ये फर्टिलाइजेशन, जब मैं हायर प्लांट की बात से बेसिकली कर रहा हूँ, बाकी की अभी बात नहीं कर रहा। तो जो हायर प्लांट्स है वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, और ये काम कहाँ पे हो रहा है, इन फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर, ठीक है, फीमेल गैमिटोफाइट से ही तो हो रहा है। देखो मेरी चाय आ गई है और मैं चाय पीना चाहता हूँ, ठीक है। मुसारा नहीं हो रहा है यहाँ पे, सारी हो जाए, क्लास चल रही है इसको सारी की लगी हुई है, ऐसे लग रहा है मुसारा फरमाया जा रहा है। चलो जायगोट से बेटा बनेगा क्या, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से क्या बनेगा, ये एम्ब्रायो कहाँ पे चला जाएगा बच्चे, कहाँ पे है मतलब, सीड के सेट के अंदर, अंदर ठीक है। तो सीड मैंने क्या बोला था, डोरमेंट स्टेज है। डोरमेंट स्टेज क्यों है, अनफेवरेबल टाइम को पास करने के लिए, प्लांट अपने जो है अनफेवरेबल टाइम को पास करने के लिए सीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। अभी बोलो बहुत सारे प्लांट्स तो हर समय जिंदा रहते हैं, ठीक है, मैंगो है वो तो एक लंबी ड्यूरेशन क्रॉस करता है, सीड बीच बीच में बनते रहते हैं हर साल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ कि वो सस्टेन कर रहा है डेफिनेटली, बट वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए साथ साथ में, ठीक है, जिस टाइम पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो उसका क्या है, अनफेवरेबल टाइम, ठीक है। वो फेवरेबल टाइम पे क्या करेगा, अपनी अपनी जो है अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए अपनी प्रजनी तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही फेवरेबल टाइम आएंगे फिर से बना लेगा, नहीं तो तुम सोचो, सपोज कर लो एक मैंगो का प्लांट, ठीक है, ये नहीं बना रहा होता तो क्या होता, उसकी स्पीसीज, उसका मान लो सपोज कर लो 50 साल उसका लाइफ पीरियड है, ठीक है, तो 50 साल के बाद तो खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये जरूरी है, उसकी अपनी नंबर बढ़ाने के लिए जरूरी, ठीक है। तो सीड से फिर मैंने क्या बताया कि सीड से क्या बनेगा बच्चे, जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, सीडलिंग बनेगा। सीडलिंग से मैंने क्या बताया था, क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, और प्लांटलेट से क्या बनेगा, मेच्योर प्लांट बनेगा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन दो टाइप का होता है, एक एपीजियल होता है, दूसरा हाइपोजियल होता है। एपीजियल का पिक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, एपीजियल में सिंपल सी बात है, जो हाइपोकोटाइल है, दो चीजें बताई थी ना किसके अंदर, ये क्या है, तो पूछ रहा हूँ ये क्या है, और कह रहा है एपीजियल, ये किसका पिक्चर है, जर्मिनेटिंग सीड का पिक्चर, इधर वाला पार्ट क्या है, कोटिलेडन है, ये क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस का इलॉन्गेटेड पार्ट है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा बड़ा बना, ये
ये वाला रीजन आपका एपिकोटाइल है, ये फ्लेम्यूल है, और इधर ये वाला रीजन रेडिकल है, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो एपीजीएल के केस में हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल से ज्यादा तेजी से इलॉन्गेट करता है, और रीजन क्या होता है, उसको उठा के ऊपर ले आता है, पूरे पार्ट को सीट के उठा के ऊपर ले आता है। क्योंकि ये जो कॉटिलेडन है, ये इनको आप बोलो कि इनको बोलते हैं एम्ब्रायनल लीव्स, ठीक है। तो यही बेसिकली सबसे पहले बाहर निकलते हैं, इन्हीं से बेसिकली लीव्स जो है, पहली जो फर्स्ट टू लीव्स हैं, इन्हीं से कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, फिर बाकी के लीव्स बनना तैयार हो जाते हैं। तो अगर ये पहले ज्यादा ये ज्यादा इलांगेट करेगा तो जर्मिनेशन कैसा हो जाएगा, एपीजियल, एपी मतलब अबव, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट ज्यादा करेगा तो कैसा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पुश कर देगा नीचे की तरफ सॉइल में, थोड़ा सा पुश करेगा और अपना ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो प्लाविंग हुई है, नीचे सॉइल में पड़ा हुआ है सीड, तो और नीचे ही चला जाएगा, हल्का सा पुश किया उसने, तो वो कैसा हो जाएगा, नीचे चूंकि पुश किया तो हाइपोजियल, हाइपो मतलब नीचे। तो इस तरह के जर्मिनेशन की बात की मैंने, की फिर मैंने कहा कि ये सारी चीजें जो है, ये एक ये जो अगर उधर का थोड़ा सा छोड़ भी दो, आप जर्मिनेशन से ले लो, ठीक है, क्योंकि तो ये पार्ट तो आगे फिर से आ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये जो भी जो प्रोसेस है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये पूरा जो है सीक्वेंस, बहुत ऑर्डर बड़े सीक्वेंस में चलती हैं सारी चीजें, ठीक है। ये जो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, बहुत सीक्वेंस में, ठीक है, बहुत क्या बोलते हैं, ऑर्डर इनका बिल्कुल फिक्स्ड है, डिफाइंड ऑर्डर है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। मैंने साथ लिखाया भी था कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट्स टी टाइम नाउ, क्या बोलो कि हमें ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं नहीं बोल सकता। बिल्कुल नहीं, कभी मैं भी तुम्हारी जगह था तो मेरे भी टीचर ऐसे ही बैठ के चाय पिया करते। बिल्कुल, अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं आता था।